हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस से रिलेटेड सबसे पहले जो है चैप्टर वन है। चैप्टर वन में हम सेट्स क्या पढ़े थे, लैंग्वेज एंड नोटेशंस। कैलकुलस में जब हम सेट्स से पहले उसे लैंग्वेज और नोटेशंस किस किस तरह से यूज होते हैं कैलकुलस में, वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फिर सबसे पहले सेट सेट एंड एलिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास सेट एंड एलिमेंट, सेट क्या होता है हमारे पास? बेसिकली सेट जो होता है हमारे पास, आ सेट फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पज इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यानी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ टर्म्स होंगे, कुछ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कुछ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी उनका कोई सेंस बन रहा होगा। ऐसी चीजों का जो कलेक्शन होता है वो हमारे पास एक सेट कहलाता है। और जो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास एलिमेंट। ये जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो सेट में जो एलिमेंट होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास एलिमेंट। तो हमारे पास जैसे एग्जांपल के लिए ये है, हमारे पास एक एग्जांपल है -1d58। तो ये एक सेट है फ्रेंड्स हमारे पास। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, -1d5 and 8। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। हुज एलिमेंट्स आर, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं इसके। अब कई बार हम सेट को किस तरह से डिनोट भी करते हैं, कई बार ये तो सेट में हमारे पास इसमें हमने सारी एंट्रीज फिल की हुई हैं। जब जरूरी नहीं है हम सेट में एंट्री फिल करें, कई बार हम उसको डिफाइन भी कर देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक सेट है नीचे एक्स, जहाँ पे एक्स जो है, एक्स इज ए प्राइम नंबर <10। यहाँ पे हमने सेट की एंट्रीज नहीं, एक्स को डिफाइन कर दिया कि एक्स एक प्राइम नंबर है जो कि <10। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर है हमारे पास <10। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3, 5 and 7। तो ये सारे जो एलिमेंट हैं, ये सेट के ऑब्जेक्टिव जो है, ये सेट के एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक नोटेशन आता है हमारे पास। सपोज कि कोई एक एलिमेंट है 2। अब ये 2, तो 2 ये एक नोटेशन है 2, और यहाँ पे कई बार ऐसे आ जाता है 2, 3, 5, 7। इसका मतलब है 2 belongs to, यानी 2 जो है वो इस सेट का एक एलिमेंट है। 2 जो है एक इस सेट का एलिमेंट है, तो इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं इस नोटेशन को। और जब इस नोटेशन को काटा जाता है, तो इस नोटेशन को काटने का मतलब होता है, इस नोटेशन को काटने का मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। सपोज कि हमारे पास यहाँ पे हम 6 लें, 6, तो 6 belongs to। अगर हम ये बोले 1, सॉरी सेट में एलिमेंट है हमारे पास 2, 3, 5 and 7। तो यहाँ पे देखें तो 6 जो है वो इस एलिमेंट का, इसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो इसको कहते हैं 6 does not belong to, यानी 6 जो है इसका एलिमेंट नहीं है। अब फ्रेंड्स आता है हमारे पास एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग। एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग बेसिकली क्या होता है हमारे पास? अब कोई जो सेट है, जो एम्प्टी सेट जो होता है 5, इसको हम 5 से डिनोट करते हैं। 5 जो सेट है वो, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। बेसिकली 5 यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो कई बार अगर पास हमारे पास स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि ए बिलोंग्स टू 5, तो ये स्टेटमेंट हमेशा फेल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब क्लियर है कि जो ए जो 5 जो सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है। और अगर ये आ जाए हमारे पास एक सेट है उसके अंदर 5 है, तो उस कंडीशन में 5 जो है, ये 5 जो है, ये पूरा सेट जो है एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये नॉन एम्प्टी सेट है ये जो सेट है, क्योंकि इसमें जो 5 जो है वो बिलोंग्स टू इस सेट से करेगा। इसको एस डिनोट कर दिया जाए तो 5 belongs to S। इस कंडीशन में ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। अब फ्रेंड्स हमारे पास आता है सेट के बाद आता है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज जो है सबसेट। बेसिकली सेट क्या पढ़ा था हमने, सेट कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे 1, 2, सपोज 3, 4, और ये हमारे पास 10 तक सारे नंबर्स हैं, ये एक सेट है। तो उस कंडीशन में सबसेट क्या होगा, यानी सबसेट होगा इस सेट के कुछ एलिमेंट्स का सेट, इस सेट के कुछ एलिमेंट्स का। सारे सेट का क्या भी हो सकता है,
कुछ का भी हो सकता है कि इसमें से हमने एक सेट और बना दिया वन एंड टू, तो ये जो सेट है ये सबसेट है इसका। तो इस कंडीशन में हम इसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ये अगर इसको हम एस दे दें और इसको हम एस वन दे दें, सेट को नोटेशन हमने एस और एस वन दे दिया, नोटेशन कुछ भी हो सकते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास वन और टू यानी एस वन जो है वो सबसेट है, ये सबसेट का साइन है फ्रेंड्स एस टू। अगर अगर यहाँ पे कई बार हमारे पास ये साइन नहीं आता यानी ये इक्विवेलेंट का साइन ना आके सिर्फ ये लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि जो एस वन जो है वो प्रॉपर सबसेट है, और इसका मतलब हमारे पास प्रॉपर के अलावा इम्प्रॉपर भी हो सकते हैं। अब प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो फ्रेंड्स हमारे पास प्रॉपर सबसेट जो होते हैं यानी इसका कोई प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर बेसिकली हम इम्प्रॉपर से समझ लेते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट दो ही इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, या तो फाई या खुद सेट एस, यानी सेट एस के दो ही इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं किसी के भी, या तो फाई यानी कुछ भी सेट नहीं या पूरा का पूरा सेट, ये जो दो सेट होते हैं ये इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। इसके अलावा जो कि जो भी सबसेट होंगे सेट के, जो भी सबसेट होंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं या तो फाई को छोड़ दें या कोई एक ऐसा एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट छूटा हुआ हो एस से, और एस वन में एस से कोई एलिमेंट छूटा हुआ, तो उस कंडीशन हम कहते हैं एस वन जो है वो प्रॉपर सबसेट है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट पढ़ लिए। अब बेसिकली अगर हमारे पास दो सेट है, कुछ और टर्म्स देखते हैं एस वन एंड एस टू, और एस वन जो है वो सबसेट है एस टू का, तो उस कंडीशन में अगर एक्स जो है वो बिलोंग्स टू एस वन यानी एक्स जो है वो एस वन का एलिमेंट है, तो वो इम्प्लाई करेगा एक्स जो है वो मस्ट बिलोंग्स टू एस टू। बट इसका अपोजिट पार्ट यानी एक्स अगर बिलोंग्स टू एस टू है वो डज नॉट इम्प्लाई यानी जरूरी नहीं है कि उस कंडीशन में एक्स जो हो बिलोंग्स टू एस वन हो। और अगर हमारे पास कहीं ऐसा हो जाए कि एक्स बिलोंग्स टू एस वन एंड एक्स बिलोंग्स टू एस टू ये हमारे पास आ जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, और हर एक एक्स के लिए और फॉर ऑल एक्स, हर एक्स के लिए अगर एक्स बिलोंग्स टू एस वन है और एक्स बिलोंग्स टू एस टू है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं एस वन बराबर एस टू। या इसको दूसरी तरह डिपेंड करें, अगर हमारे पास एस वन जो है वो सबसेट निकले एस टू का एंड साथ ही एस टू जो हो सबसेट हो एस वन का, तो उस कंडीशन में सेट एस वन बराबर एस टू होता है। अब एक प्रपोजिशन है हमारे पास, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी एम्प्टी सेट जो होता है हर सेट का एम्प्टी सेट होता है, यानी अगर फाइव जो है वो सबसेट ऑफ एक्स फॉर ऑल सेट्स हर सेट्स के लिए, तो इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ हम सिंपली जैसे इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन की हेल्प से किया, तो कॉन्ट्रोडिक्शन की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं कि लेट फाइव जो है वो नॉट बिलोंग्स टू एक्स, यानी वो एक सेट लिया हमने सेट एक्स, उसमें हमारे पास हमने ले लिया कि फाइव जो है वो एक्स से बिलोंग नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में हमारे पास फाइव जो है उसमें कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए फाइव में जो एक्स या एक्स आई जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। बट अगर जब हमारे पास एक्स आई अगर जो है वो फाइव का एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, जो ये जो एक्स आई है बेसिकली एक्स ये तो क्या था फाइव ये एम्प्टी था इस कंडीशन में, तो हमारे पास यहाँ पे इसका एक नॉन एम्प्टी हो गया यानी कि फाइव जो है वो नॉन एम्प्टी हो गया यहाँ पे, तो अगर उसमें इस तरह का कोई पॉइंट मिल जाता है तो इस कंडीशन हम कहेंगे जो फाइव जो है वो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से फाइव जो है वो एम्प्टी है, तो इस तरह से फाइव को एम्प्टी प्रूव किया जा सकता है।